नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लॉकडाउन लगाया गया है बिहार में और राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मछलियों की लूट हो रही है। जी हां, लोग जितना चाह रहे हैं मछली लूट कर ले जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मछलियों को लूट कर लोग ले जा रहे हैं। दरअसल गंगा नदी में बहते शव का असर दानापुर के नारियल घाट पर भी देखने को मिला। दानापुर के नारियल घाट पर गंगा नदी के किनारे मछुआरों ने गंगा नदी से महाजाल के माध्यम से पकड़ी मछलियों को गंगा नदी के किनारे ही फेंक दिया। बड़ी मात्रा में फेंकी गई मछलियों को आसपास के लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। लोगों में लेने की होड़ लगी हुई है। कोई झोले में तो कोई बड़ी छोटी पन्नी में तो कोई बड़े बड़े बर्तनों में मछलियों को बटोर कर अपने साथ ले जा रहा है। गंगा नदी में मिले शव को लेकर के लोगों को मछलियां खाने से कोरोना संक्रमण होने का खतरा सताने लगा है, इसलिए मछलियां खाने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। दूसरी तरफ मछुआरों की मानो तो महाजाल में काफी मात्रा में मछलियां पकड़ में आ गई थी, जिसको लेकर पकड़ी गई मछलियों को रखने की जगह नहीं रहने के कारण वे इन मछलियों को गंगा किनारे ही छोड़ दिए हैं। लोग मछलियां कम खा रहे हैं। इस बात को पूछने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन मछलियों को खाने से कोरोना बीमारी नहीं होने वाली। गंगा नदी की पानी से कभी भी किसी को भी कुछ नहीं होने वाला। इसके पानी पीने से पेट के अंदर का कीटाणु मर जाता है, ऐसा मछुआरों का कहना है कि ये केवल अफवाह है। गंगा नदी में जो मछलियां पाई जा रही है उसमें कोरोना का संक्रमण नहीं है। गंगा नदी में भले ही शवों को बहा दिया गया है, लेकिन गंगा पवित्र होती है, इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। गंगा में मिले मछलियों को खाने से कोई कोरोना का संक्रमण लोगों तक नहीं फैल। अरे सर, मेरा यही कमाई है, रोजी रोटी है। रोज़ यही पानी से हम सब खाना बनाते हैं, रोज़ खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जी में पहले से भी बहुत बैक्टीरिया है, कभी कोई दिक्कत हुआ है? कभी दिक्कत नहीं हुआ। इसमें सब चीज़ होता है, नाली का पानी भी आता है, इसमें लहा जलाया जाता है, बहुत तरह का चीज़ है। आज कोरोना हो गया, हम आज से रोज़ खा रहे हैं, रोज़ पानी, अभी भी देखिएगा तो बन रहा है मछली। तो हम सब रोज़ खाते हैं यही पानी से, कुछ नहीं होता, यही मेरा रोजी रोटी है। सब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा जी का मछली खाइए। हम लोग हो जाना चाहिए, हम सब स्वस्थ है। देखिए गंगा जी में स्वस्थ है, सब खाने पचा, यही सब पानी तो हम सब के जितना भी बैक्टीरिया है शरीर का सब मार देता है, उससे इतना अथी पचाता है खाना। तो देख रहे हैं, देखिए इधर कोई दिक्कत नहीं है, यही रोजी रोटी है। थोड़ा आप क्या था यहाँ पर, क्यों फेंक दिया गया? जैसे एक पार में जानते हैं ढेर मछली आ गया था यहाँ पर, ये महाजाल मारता है जो, उसमें एक पार में आ गया बहुत मछली, तो ले जैसे ज्यादा आ गया वहाँ पर, नहीं इसको तो गाड़ी में नहीं अट पाया तो ये सब अपना ले गया बाजार से में थी, और नहीं बिका तो यहाँ पर छोड़ दिया। अब क्या करेगा, सब जितना बचल था सब कहा कि ले जाओ, सबको बोल दिया कि ले जाओ अपना अपना, सब आया ले गया सुबह में। दिनेश कुमार नाम है। तो मछुआरों का ये कहना है, हालांकि आपको बता दें ये जो मछलियां फेंकी गई है ये इस वजह से फेंकी गई है क्योंकि मछुआरों के पास रखने का जगह नहीं था। महाजाल में बहुत ही अधिक मात्रा में मछलियां फंस गई थी और लोगों के पास जो कंटेनर जो मछुआरे लाए थे उस कंटेनर में जगह नहीं बचा था, इस वजह से मछुआरों ने ये मछलियाँ गंगा किनारे ही फेंक दिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।